अशोकनगर के करीला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेताओं के दखल देने के 3 दिन बाद पुलिस ने पटवारी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया। इससे पहले पीड़ित महिला 3 दिनों तक मामला दर्ज कराने को लेकर चक्कर काट रही थी। दरअसल रंग पंचमी के अवसर पर करीला मेले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी पार्किंग में लगाई गई थी। 22 मार्च की रात महिला के साथ ड्यूटी कर रहे पटवारी आशीष जैन ने छेड़छाड़ कर दी। महिला ने अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना दी। उन्होंने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो महिला बहादुरपुर थाने पहुंची और आवेदन दिया। इसके अलावा चंदेरी एसडीओपी को भी एक आवेदन दिया, लेकिन पुलिस की ओर से बताया गया कि महिला ने शिकायत वापस ली है। उसने बताया है कि वो ड्यूटी से परेशान हो गई थी, इस वजह से पटवारी पर झूठे आरोप लगाए थे, लेकिन शुक्रवार को पीड़िता फिर से थाने पहुंची और अपना पक्ष रखा। इसके बाद महिला पुलिस ने थाने में पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। और 3 दिन से न्याय के लिए दर दर भटक रही थी। कल ये बहादुरपुर थाने में भी गई, परंतु अधिकारियों कर्मचारियों के दबाव के कारण इन पर प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया और इनसे एक आवेदन पर हस्ताक्षर करवाए गए दबाव के चलते, और इनकी FIR नहीं काटी गई। जब ये जानकारी ग्रामीणों के माध्यम से मुझ तक पहुंची और मैंने उन महिला से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे आप बीती बताई, और ग्रामीणों द्वारा मुझे पता चला कि इनके द्वारा 3 दिन से कोई अन्न पानी नहीं खाया गया है और लगातार रो रही हैं। दुख का विषय है कि एक महिला आदिवासी इतने दिनों से उत्पीड़न का शिकार घूम रही थी, रोती फिर रही थी, दर दर अधिकारियों के पास भटक रही थी, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। आप सबके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भी आपने सबको अवगत कराया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आज महिला थाने में उनकी FIR हुई है, इसमें आप सब भागीदारी हैं, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, उन सबको भी धन्यवाद। सबने मिलकर के उसे न्याय दिलाने का प्रयास किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो आज दिनांक को महिला थाने में उपस्थित हुई और उन्होंने अपना एक शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस आवेदन में उन्होंने बताया है कि करीला मेला के ड्यूटी के दौरान उनकी पार्किंग स्थल पर ड्यूटी लगी थी, जहां उनके साथ में जिनकी ड्यूटी लगी थी उनके द्वारा महिला के साथ अभद्रता या छेड़छाड़ की घटना की गई। महिला के इस आवेदन पत्र पर महिला थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो भी तथ्य